अब तीसरे हिस्से में इस कुरान की तालीम आम, तालीम बालिगान का जो निजाम कायम किया गया उसका जिक्र है। जुमा क्या है असल में? अब रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। ये जुमा क्या है? ये हिजबुल्लाह का हफ्तेवार इज्तिमा है। कम्युनिस्टों को भी ईजाद करने पड़े थे हफ्तेवार इज्तिमा, हफ्तेवार इज्तिमा, स्टडी सर्कल्स। इसलिए इंकलाबी कारकुन के जहन में जब तक उसका नजरिया ताजा न रहे वो कुर्बानी कैसे देगा? कुर्बानी तो हर लहजा आएगी, हर आन आएगी, कदम कदम पर आएगी। लिहाजा उस नजरिए का, नस्बुल ऐन का, अपने मकसद का शऊर बिल्कुल कॉन्शियस लेवल के ऊपर मुस्तहज़र रहना चाहिए। लिहाजा इज्तिमाआत। अब जोहर की नमाज की बजाय जुमा, वहां चार फर्ज या दो कर दिए, दो की जगह खुतबा। खुतबा किस लिए? तालीम कुरान, तालीम बालगान। जाहिर है वहां कॉलेजेस नहीं थे, किताबें नहीं थी, प्रेस नहीं थे, छापेखाने नहीं थे, ऑडियोज नहीं थे, वीडियोज नहीं थे, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन एक निजाम है, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल लो, अगर चाहे पूरा दिन नहीं चाहिए, यौम सब की तरह नहीं है, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, आओ मस्जिद में चलकर। पहली घड़ी में आ जाओगे तो इतना सवाब होगा जितना कि एक ऊंट की कुर्बानी का। हमने आंखों से देखा हुआ बचपन में, 7-8 बजे करीब मस्जिदों के अंदर हुजूम होते थे, लोग पहुंच जाते थे गांव से, इसलिए गांव में जुमा होता नहीं था। अब तो एक खास मसलक हमारे यहां जो आया अहले हदीस हजरात का, उन्होंने 4 आदमियों पर भी जुमा खड़ा कर दिया, तो अब खामखा काय को जाएगा कोई आदमी शहर के अंदर? पहले तो यह था कि जो मसले जामे ना हो, जो एक शहर ना हो जिसके अंदर के कोई हुकूमत का एक बड़ा अफसर ना रहता हो, तो उसके बगैर जुमा नहीं होता। पर उन मसलों को छोड़ दीजिए, आइए जमा हुइए, कोई नाइब रसूल मिंबर रसूल पर खड़े होकर वही अमल करे, यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ताकि ये प्रोसेस अब अबदी हो जाए उम्मत के अंदर। इसलिए जुमे की यह अहमियत है कि फरमाया गया कि 3 जुमे भी छोड़ दोगे बगैर उज्र के, लयख्तमन अल्लाह अला कल्बी, उस शख्स ऐसे शख्स के दिल के ऊपर अल्लाह ताला बोर कर देता है। लेकिन बात यही है कि वो सारी हिकमत खत्म, वो मकसद खत्म, ना वो मकसद है। रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही, और फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। जुमा है फिर भी खंडर बता रहे हैं, इमारत अजीम थी, अब भी जो एहतमाम होता है जुमे के लिए, खंडर ही सही, लेकिन बता रहे हैं कि कितनी बड़ी अजीम इमारत थी। बस अब तर्जुमा कर लीजिए, वक्त बहुत कम है। जो उसका रब थे वो मैंने बयान कर दिया। या अय्युहल लज़ीन आमनु इज़ा नुदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमअति फ़सअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें पुकारा जाए नमाज के लिए यौम दिन, जुमे के दिन यानी जुमे की नमाज के लिए, तो लपको और दौड़ो हर तरह के कारोबार को छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ, और छोड़ दो कारोबार। और यहां जिक्र से मुराद नमाज तो जिक्र है ही, असल में खुतबा है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो।